वैसे तो भारत आस्था और विश्वास के साथ भक्ति के अलग अलग रंगों से सराबोर सभ्यता वाला देश है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसी आस्थाएं और मान्यताएं हैं जिसे सोचकर आप सिहर जाएंगे। दरअसल बिहार के बेगूसराय में नाग पंचमी के मौके पर सांपों का एक ऐसा मेला लगता है जहाँ भक्तों के साथ स्थानीय लोग बलान नदी में डुबकी लगाकर सैकड़ों की संख्या में जहरीले सांप को निकालते हैं और माँ भगवती के स्थान पर पहुँचते हैं, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। मेले की शुरुआत से पहले बलान नदी के कोठी घाट पर वैदिक रीति रिवाज से पूजा पाठ की जाती है, जिसके बाद सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में घाट से बड़े बड़े विषैले सांपों को भक्तों के द्वारा निकालने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सांप पानी से निकला जाता है, वहां मौजूद लोग उत्साह भी ठीक वैसे वैसे ही बढ़ता जाता है। लोग उसे अपने गले में लपेट रहे थे तो वहीं कुछ लोग जहरीले सांपों को अपने हाथों में पकड़े हुए थे। खास बात तो ये है कि इन जहरीले सांपों का डर किसी के चेहरे पर भी नहीं होता। सबसे दिलचस्प तो ये था कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी जहरीले सांपों को गले में लपेटे हुए थे और सांपों से ऐसे खेल रहे थे मानो वो खिलौने से खेल रहे हों, जिसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। से हमारे बाप दादा के चरणों से चला, माता रानी के कृपा से ये पूजा किया जाता है। वहीं इस परंपरा को लेकर स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि 42 साल पहले सन 1981 में माँ भगवती की स्थापना डोमन महतो के द्वारा की गई थी और तब से नाग पंचमी के अवसर पर मेला लगाने और विषैले सांपों को निकालने का सिलसिला जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि मेले के दौरान आज तक कोई अनहोनी घटना नहीं घटी है। यहाँ आगापुर की भगवती स्थान में जो सैकड़ों वर्ष से पूजा चले आ रहा है, यहाँ से लगभग हम सबसे दर्जनों गांव की आसपास तो यहाँ से लगभग बेगूसराय तक के भी लोग भी यहाँ आते हैं और यहाँ की भगवती स्थान जो है यहाँ से लोग की बहुत सी मन्नतें पूरी भी होती है और इसी उत्साह के साथ बहुत से सारे लोग बहुत दूर दूर से भी यहाँ आते हैं और आज हम लोग तो सुनते आ रहे सैकड़ों वर्ष से, लेकिन आज हम लोग अपने नज़रों से देख रहे हैं जो कितने लोगों की जन सैलाब उड़ चुका था इस बलान नदी में। असल बात ऐसा है कि जितने भी इस गांव के हैं, बच्चे से लेकर बूढ़ पुरान तक, सबको सांप पकड़ने की अपनी एक कला है और इस टाइप से तो पकड़ा जाता है जो आज तक तो ऐसा बात नहीं सामने आया है और एक आस्था है नाग देवता से, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी प्रभाव छोड़ते हैं लोगों पर, बात नहीं है आज तक ऐसा बात हुआ ही नहीं। आपको बता दें कि नाग पंचमी के मौके पर आयोजित होने वाला सांपों का ये मेला बिहार के लोगों के लिए सबसे खास होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।